हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहां पे मार्केट में एक नया बाय बाय आ चुका है। किसका? बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो का इतनी से मैं खुद बोल रही हूँ कि मुझे इसका बाय बाय का बहुत ज़्यादा तक मैंने क्या वेट किया। जब इसका न्यूज़ जब निकल के आया था ना कभी Jan 4 को, तभी इसका बाय बाय का इतनी से मैंने अपलोड वीडियो भी मैंने अपलोड किया था कि इसका जो मेन डिसीजन जो है बाय बाय का कंसिडर करने वाला है Jan 9 को। तो जैसे ही Jan को इसका अपडेट आया, सो मैंने आई थिंक मुझे लगा कि आपको अपडेट जरूर करना चाहिए। सो इसका बाय बैक आ चुका है, काफ़ी अच्छा इसका बाय बैक। आप भी कंपेयर करें प्रीवियस जितने बाय बैक आए हैं, ये जो स्टॉक है काफ़ी अच्छा आपको क्या है बाय बैक में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। भले इसका शेयर देखेंगे 7,000 का इसका शेयर है, बट बाय बैक का जो प्राइस इसने रखा बहुत तगड़ा रखा हुआ है। सो वो भी मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे। फिलहाल जो लोग इसमें नए आए हैं, जिनको लाइक बाय बैक अप्लाई करना है बजाज ऑटो का नाम सुनकर, जो बहुत लोग आए भी रहेंगे, सो जिन लोगों को इसमें बाय बैक अप्लाई करना रहेगा, सो बिफोर दैट आपको बाय बैक का मतलब क्लियर कर देती हूँ, बिकॉज आप बिना जाने बाय बैक अगर अप्लाई करने जा रहे हैं किस तरीके का प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी। ओके, सो चलिए आपको मैं बता देती हूँ। फिलहाल आपको यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि बाय बैक होता क्या है। बाय बैक मीन्स क्या है, जहाँ पे कंपनी क्या खुद के जो शेयर्स होते हैं रिपर्चेस करती है हमसे, मीन्स रिटेलर से कंपनी क्या स्टॉक क्या परचेस करती है हमसे ही रिपर्चेस लाइक करती है। आपने ऑलरेडी इस कंपनी का अपने बाय बैक अगर आपको अप्लाइंग करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बजाज ऑटो का आपको क्या शेयर आपको बाइंग करके रखना पड़ेगा, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना पड़ेगा। सो जैसे ही बाय बैक का इसका डेट अनाउंसमेंट होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। जैसे अनाउंसमेंट होगा आपको अपने प्रोफाइल में जाके माय अकाउंट में जाएंगे, सो वहाँ पे सेक्शन क्या है दिया रहता है बाय बैक का, सो वहीं से ही आपको क्या है बाय बैक अप्लाई करना है। सो बाय बैक अप्लाई करने के लिए आपको ये नहीं जरूरी कि लगभग आप एक ही क्वांटिटी ही अप्लाइंग कर सकते हैं, आप चाहें 2 से 3 4 जितने चाहें उतने आप अप्लाइंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे कंपनी क्या है, जब बाय बैक लाती है तो एक बोलते हैं ना एक साइज, एक अमाउंट एंड साइज भी लाती है कि इतने शेयर्स ही वो एक्सेप्ट करेगी एंड इतने अमाउंट में ही वो एक्सेप्ट करेगी। मीन्स क्या बाय बैक मीन्स उसका एक साइज होता है। तो यहाँ पे क्या है उसी तरीके से बजाज ऑटो का भी यहाँ पे साइज आया है। सो वो चीज़ हर एक चीज़ की क्या लिख के आ जाती है जब भी अगर आप बाय बैक का इसका पूरा डिटेल्स अगर आप देखेंगे। सो आई थिंक सो आपको बाय बैक का मतलब क्लियर हो गया, किस तरीके से अप्लाइंग होता है वो भी आपको क्लियर हो गया। ओके, बाय बैक कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें आपको नॉर्मली एक प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे दो टाइप के बाय बैक होते हैं, टेंडर ऑफर एंड ओपन मार्केट ऑफर। टेंडर ऑफर जो हम लोग अप्लाइंग करते हैं लगभग, देखिए बाय बैक जैसे कि बजाज ऑटो का है तो लगभग नॉर्मली 5 to 6 days का ही रहता है इसका बाय बैक का पीरियड अप्लाइंग करने का। एंड ओपन मार्केट ऑफर में अगर आप देखेंगे, आई थिंक सो अभी अतुल का चालू है ओपन मार्केट ऑफर में, जो कि लगभग देखे 3 से 4 महीने का इसका क्या रहता है बाय बैक का ऑफर। तो वो इसमें अलग अलग जो बड़े लोग होते हैं वो इसमें अप्लाइंग करते हैं, उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। बट टेंडर ऑफर का जो है 5 to 6 days का रहता है, नॉर्मली अपने डीमेट अकाउंट से ही आपको क्या अप्लाइंग करना रहता है इसका बाय बैक। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बजाज ऑटो का जो लेटेस्ट जो अपडेट है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सिक्योरिटी नेम देखेंगे तो बजाज ऑटो लिमिटेड है, इशू टाइप टेंडर ऑफर जो कि 5 to 6 days का रहेगा, इशू साइज शेयर जो कि मैंने आपको बोला था इतना रहता है। सो यहाँ पे कंपनी क्या 4 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे क्या है बाय बैक का एक साइज लेके आई है शेयर्स का, कि मीन्स क्या है 4 करोड़ का ही कंपनी क्या है यहाँ पे शेयर्स क्या एक्सेप्ट करेगी फॉर दी बाय बैक के लिए। एंड इश्यू साइज अमाउंट देखेंगे तो 4,000 करोड़ का कंपनी ने हमें क्या दिया हुआ है। ओके, देन बाय बैक प्राइस देखेंगे तो कितना दिया है 10,000 का इसने दिया हुआ है। अभी अगर आप बाय बैक अगर आप अप्लाइंग करने जा इसमें खरीदने जा भी रहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बजाज ऑटो का करंट प्राइस आप देख लेना, अभी क्या है 7,200 तक गया था एंड अभी फिलहाल आई थिंक सो 7,000 के आसपास, आई थिंक सो 7,099 के आसपास ये जो स्टॉक है ट्रेड हो रहा है। सो लगभग अगर आप 7,000 ही पकड़ते हैं, 7,000 के आसपास अगर इसका शेयर बाइंग करते भी हैं एंड इसका 10,000 का इसका बायबैक प्राइस है, तो मोटा मोटी देखिए आप इसमें क्या 3,000 का प्रॉफिट बुक कर सकते हो पर शेयर के पीछे। सो अगर आप यहाँ पे
दो से तीन या फिर चार पांच भी अप्लाइंग कर रहे हो बायबैक, उसमें से अगर अगर आपका बायबैक लिए तीन भी एक्सेप्ट हो जाता ना, कितना मिनिमम तीन एक्सेप्ट भी हो गया ना, तो कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा, 9,000 का आप इसमें क्या प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सो काफ़ी अच्छा तगड़ा बायबैक आया है बजाज ऑटो का। सो यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, सो जिन जो शेयर होल्डर्स ऑलरेडी होते हैं ना बजाज ऑटो के, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देता है ये बजाज कंपनी। सो बजाज कंपनी बाकी की जितनी कंपनीज होती है जो बायबैक लाती है, जिनके पास ऑलरेडी ये शेयर्स होता है, जो शेयर होल्डर्स ऑलरेडी रहते हैं 5-6 महीने से, उनको क्या पहला प्रेफरेंस देती है ये कंपनी। ओके सो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि फिलहाल आपको ये जो शेयर है आपको बाइंग करके रखना है, पोर्टफोलियो में ऐड कर देना है। जब भी बायबैक का इसका डेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी, या फिर जैसे ही कुछ होगा तो मैं आई थिंक शॉर्ट वीडियोज भी अपलोड कर ही देती हूँ, तो वहाँ से देख के आपको क्या बायबैक आपको क्या अप्लाइंग कर देना है। फिलहाल इसके इतने ही अपडेट आए हैं, एंड अभी करेंटली कुछ इसका अपडेट आया नहीं, डेट अनाउंसमेंट का कुछ भी वगैरह, तो जैसे ही आएगा सो मैं आपको जरूर आपको मैं अपडेट कर दूंगी। ओके सो आई थिंक आपको जो डाउट है क्लियर हो गए हैं, तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।